अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा दूसरा लेसन है जिसमें हम आपको YouTube सेटिंग्स के बारे में बताएंगे। ठीक हो गया, तो चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन तो खुली हुई है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दाऊद गुरमानी, हमने पिछले लेसन में न्यू चैनल बनाया था, ठीक हो गया? तो हम यहाँ पर आके वो ईमेल खोल कर उससे हम आपके यूट्यूब ओपन करेंगे। जब तक ये खुलता है, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अभी कर दें, ठीक हो गया? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तो इधर आने के बाद ई का लोगो देख रहे हैं, ई का ऑप्शन, ठीक है? इधर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, यूआर चैनल परचेज, मेंबरशिप, ये सब चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक हो गया? तो आज हम हमारी जो बात होगी वो यूट्यूब स्टूडियो यानी सेटिंग के बारे में होगी, यूट्यूब की सेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो यूट्यूब स्टूडियो में आएंगे। यूट्यूब स्टूडियो में यहाँ देख सकते हैं डैशबोर्ड, कंटेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, ये सब कुछ आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और बाकी चीज़ों को छोड़ दें, ठीक हो गया? तो सेटिंग में सबसे पहले कस्टमाइजेशन आ जाता है। तो सबसे कस्टमाइजेशन में ऊपर ऊपर देख सकते हैं तीन ऑप्शन है, लेआउट, ब्रांडिंग एंड प्लेसिंग। आज हम इनको बड़ी तफसील से पढ़ेंगे, ठीक हो गया? चैनल ट्रेलर, यहाँ पहला पहला ऑप्शन है चैनल ट्रेलर फॉर अ पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब, ठीक हो गया? इसका क्या मतलब है कि आप एक वीडियो लगाते हैं, एक न्यू वीडियो, तो आप चाहते हैं कि यार ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों को शो हो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक हो गया? तो ये उनके लिए आप इधर आके ऐड करेंगे वीडियो को यहाँ, क्योंकि हमारी कोई वीडियो नहीं है तो उससे आप ऐड करेंगे, तो ये वीडियो उन लोगों को नजर आएगी जिन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो दूसरा फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर। रिटर्निंग सब्सक्राइबर के क्या जहन में आता है आपके, कि यार मैं एक न्यू वीडियो बना रहा हूँ और उन लोगों को ये वीडियो दिखाई दे, यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं तो उन लोगों को ये वीडियो दिखाई दे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक हो गया? तो इधर आने के बाद शॉर्ट वीडियो अपलोड्स हमारी 0-0 है, तो अभी ये कुछ शो नहीं कर रहा। तो दूसरा ऑप्शन है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पर आने के बाद तो देख सकते हैं ये हमारा ई बना हुआ है, इधर ई बना, इससे आप अपने चैनल का थीम चेंज कर सकते हैं, इससे आप चैनल की यानी अपनी तस्वीर चेंज कर सकते हैं, अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर पिक्चर यानी हम ई की जगह हम कोई और चीज़ लगाना चाहते हैं, आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, तो गुड होता है क्योंकि, ठीक है ना? तो ओपन करेंगे तो इससे आप एडजस्ट करेंगे, जैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, डन करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ तक अभी, यहाँ पर अभी नहीं शो हो रही, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक पब्लिश नहीं किया, ठीक हो गया? तो यहाँ पर दूसरा है बैनर इमेज, यानी यूट्यूब, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को खोलते हैं जो अच्छे लेवल का चैनल है तो आपको ऊपर ऊपर नज़र आता है, ठीक है यार? ये एक लुक होती है, यानी एक बहुत ही अच्छी लुक लगती है अगर आप बैनर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो अपलोड करना है, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि यहाँ पर देख सकते हैं 2048 × 1152 पिक्सल की फ़ोटो लगानी चाहिए और 6 MB हो, ठीक हो गया? तो अपलोड करना है, मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर सक देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप वीडियो को ई मैं को लगा देता हूँ, ये आपको लाइव चल के दिखाऊंगा, ठीक हो गया? अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ अपने चैनल को कोई भी कहीं पर लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ चैनल आर मनी। आप भी कोई भी अच्छा अपने चैनल के लिए जो भी आपको अच्छी तस्वीर लग रही हो आप वो लगा सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं एम लगा रहा हूँ, ठीक हो गया? इधर करने के बाद अपलोड के ऑप्शन है वीडियो वाटर मार्क। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो आप अगर चैनल का नाम है आप चैनल का नाम लगा सकते हैं, ठीक हो गया ना? यहाँ पर शो होता रहेगा इस जगह पर, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सब्सक्राइब का बटन, ये आ गया सब्सक्राइब का बटन, ये नहीं लगाता, ये एक और ठहरा मेरे पास, अगर मिल जाता है तो, नहीं ठहरा, चलें ठीक है मैं वही लगा देता हूँ, ठीक हो गया? आपने वो क्या करना है, आपने यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन लगा सकते हैं कोई भी, के लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हर वक्त अपने कस्टमर्स को याद दिलाना, अपने व्यूवर्स को याद दिलाना, यार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक हो गया? इधर आने के बाद आप ये लग देख सकते हैं, या यूट्यूब का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लगा सकते हैं। इसके बाद आप बेसिक इन्फो, बेसिक इन्फो में आप यहाँ से लिंक ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप फेसबुक लिंक, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ फेसबुक लिखेंगे, यहाँ फेसबुक की आईडी, तो वो लिंक लगाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद आ जाए सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग ऑप्शन पे आने के बाद जनरल में आप यहाँ पर कोई भी करेंसी लगा सकते हैं, यहाँ पर पीकेआर भी, आप पीकेआर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यूएसए डॉलर ज़्यादा लगाते हैं। हाँ तो गाइस हम यहाँ पर थे चैनल पर, तो
तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप करंटी को सिलेक्ट कर लें, करंट कंट्री ठीक हो गया। यहाँ पर आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तान ढूंढे कहाँ ठहरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो वैसे छोटा सा मुल्क है, यहाँ पर देखते हैं मिल गया ये पाकिस्तान मिल गया। तो यहाँ आप चैनल के कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आप ऑनलाइन टैग के हवाले से अगर आप चैनल बना रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन टैग अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग इसके बारे में आप यहाँ पर कीवर्ड लगाएं, किस लगाएंगे ऑनलाइन अर्निंग। अगर मैं बना रहा हूँ अर्निंग लिखते हैं और कामा जो देंगे तो ये हमारा एक टैग बन गया ठीक हो गया। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एक ही चीज़ पर चैनल बनाना है, ये नहीं है कि एक जगह पर ऑनलाइन अर्निंग, दूसरी जगह पर फनी वीडियोस, और यानी बहुत सारी किस्म की आप अगर चीज़ें चुन लेते हैं तो वो आपके चैनल ग्रो नहीं होगा। तो आपने एक ही चीज़ रखनी है, यानी ऑनलाइन अर्निंग है तो आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताएंगे। अगर आप फनी मीम्स ज़्यादा अच्छे बना सकते हैं तो आप फनी मीम्स के बारे में यहाँ टैग लगाएं ठीक हो गया। यहाँ के बाद आपने यहाँ सेव कर लेना है ठीक हो गया। तो चैनल पर थे हम, चैनल पर आने के बाद हमने ये ऑनलाइन अर्निंग लगा लिया। तो याद रखना कि जो भी आप सेटिंग करते हैं ना उसे सेव करते हैं ना ठीक हो गया। बेसिक इन्फो होगी, हम ऑनलाइन अर्निंग इधर आते हैं तो इधर आपने आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, ये आप यानी पूछा जाए, यानी यहाँ पर है डू यू मेड फॉर किड्स, अगर आपकी वीडियो की मेड किड्स के लिए है तो आप ये यस करेंगे। सॉरी, अगर आपकी वीडियो कोई किड्स के लिए है नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे। तो मैं हमेशा यहाँ नो रखता हूँ ठीक हो गया। तो आप भी नो रखें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो किड्स हैं उनके लिए ज़रा पैसे कम मिलते हैं, हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है। चलें ठीक है। तो इधर आने के बाद यहाँ पर कोई फीचर्स एलिजिबिलिटी फीचर डिफ़ॉल्ट फीचर्स, यानी आप अगर देखेंगे तो आपके ये इनेबल हुआ होगा। इससे आप क्या फ़ायदा होगा कि आपने वीडियो अपलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएशन है, ऐड कोलेबोरेशन टू प्लेलिस्ट, ऐड न्यू वीडियोस टू, यानी आपको ये फीचर्स दिए गए हैं ठीक हो गया। तो दूसरी है एलिजिबल, वो हमें इनेबल हमने अभी तक नहीं की। इनेबल किस तरह करना है, आपने अपने वेरीफाई फ़ोन नंबर करना है। अगर आप वेरीफाई फ़ोन नंबर करते हैं अपने जो आपका रजिस्टर्ड हो ठीक हो गया, तो वीडियोस लॉन्गर देन 15 मिनट्स आप डाल सकते हैं, कस्टम थंबनेल्स बना सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं यूट्यूब पर, अपील कंटेंट एडिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर वेरीफाई फ़ोन नंबर कर सकते हैं। एक और होता है तीसरा जो प्रो फीचर होता है, वो यहाँ अभी शो नहीं कर रहा, शायद हमने न्यू चैनल बनाया है। तो आप वो होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए ठीक हो गया ना, जो ही आपके चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है ताकि आपके चैनल मोनेटाइज हो। तो अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, इसे हम सेव कर देते हैं और फिर से चलते हैं इधर अपलोड डिफॉल्ट्स ठीक हो गया। एड टाइटल, टाइटल तो हम अपने वीडियो में न्यू देते हैं, यानी ये एक ऐसी सेटिंग है कि आपको अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं लाखों वर्ड्स का, यानी हर आप चाहते हैं कि ये 3-4 लफ्ज़ ना मेरे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर 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 हो ठीक हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है अस्सलाम वालेकुम, जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। हम यहाँ पर सेव जो करेंगे ना, तो हम जो भी वीडियो न्यू बनाएंगे तो उसे अपलोड करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में पहले अस्सलाम वालेकुम ज़रूर होगा, ज़रूर ज़रूर होगा, यानी ये बहुत सारा हमें टाइम बताता है। तो ये डिस्क्रिप्शन का जो है वो SEO में बड़ा रोल होता है, तो SEO का मैं कोर्स निकालूंगा इंशाल्लाह। तो आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम न्यू कोर्स SEO के बारे में बता सकें। तो डिस्क्रिप्शन टैग्स किस लगाने हैं, आपने अपनी वीडियो को रैंक किस तरह देना है ठीक हो गया, वो मैं आपको कोर्स पूरा बताऊंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वो वीडियो भी आप तक पहुँच सके। तो एडवांस सेटिंग करनी है, सिलेक्ट विजिबिलिटी आपने पब्लिक रखना है, टैग्स ये चैनल टैग्स हैं ठीक हो गया। चैनल टैग्स मीन चैनल टैग्स हैं लेकिन वीडियो टैग्स, चैनल टैग्स मैंने आपको ऊपर बता दिया था ना, ऑनलाइन अर्निंग अपलोड डिफॉल्ट, सॉरी मैं भूल गया था। तो ये वीडियो टैग्स हैं, यानी आप चाहते हैं कि जो भी मैं वीडियो सेंड करूँ ना, वीडियो अपलोड करूँ, तो मेरे ये टैग्स पहले से लग रखे हैं, मतलब पहले से ही मौजूद हो, वीडियो को अपलोड करने से पहले मुझे हर वक्त ये टैग्स ना लगाने पड़े ठीक हो गया। जिस तरह इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, अस्सलाम वालेकुम मैं, तो आपको किसी भी वीडियो जो भी अपलोड करेंगे ना तो उधर अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में। इस तरह टैग्स हैं, अगर आप टैग्स लगाते हैं तो वो आपकी हर वीडियो में शो होगा ठीक हो गया। एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में क्या है, आपने वीडियो लैंग्वेज कर लेना, क्योंकि आप उर्दू में बनाते हैं, अगर आप उर्दू में करें, मैं उर्दू में बनाता हूँ तो मैं उर्दू सेलेक्ट करूँगा। तो चल के देखते हैं उर्दू किधर है भाई, हाँ मिल गई, ये मिल गई ठीक हो गया। तो
तो सर्ट कैप्शन सर्टिफिकेशन, इधर आपने क्या करना है, अपने दिस कंटेंट हैज़ नेवर एयर ऑन टेलीविजन। तो गाइस यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर हम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इन इंग्लिश कर लेंगे, तो कमेंट्स में अलाउ ऑल कमेंट्स कर देंगे, ठीक हो गया। तो हम परमिशन में चलते हैं, दूसरी जगह पर यहाँ पर आपने सेव जरूर करना है हर एक एक चीज़ को, ठीक हो गया। परमिशन में आप इनवाइट करेंगे, आप किसी भी बंदे को आप मैनेजर बना सकते हैं, एडिटर बना सकते हैं, एडिटर लिमिट बना सकते हैं, व्यूअर बना सकते हैं, व्यूअर लिमिटेड बना सकते हैं, यानी बहुत सारे। अगर आपका चैनल बहुत बड़ा हो चुका है और आप उसे संभाल नहीं कर सकते, तो आप उसको मैनेजर बना दें, आप उसके व्यूअर बना दें, आप उसके कोई भी चीज़ बना, एडिटर बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई काम ना करना पड़े और आप आराम से रिलैक्स करें। तो इधर आने के बाद हम कम्युनिटी गाइडलाइंस, यानी कम्युनिटी एज अ मॉडरेटर, यानी ऐसे लोग जिनको आपने बिल्कुल यूआरएल, यानी उनको ना हाइड कर दो, ठीक हो गया ना। ये एज अ ब्लॉक साइट है कि अगर आप किसी भी यूआरएल किसी भी बंदे को ना वो करना ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उसका यूआरएल दें और वो ब्लॉक हो जाएगा, वो आपकी कोई वीडियो नहीं देख सकेगा। यहाँ पर हिडन यूजर्स हैड हैड ब्लॉक वर्ड्स, अगर आप यहाँ पर कोई गालियाँ चालियाँ लिखना चाहें कि बैड बैड वर्ड्स यहाँ पर आप लिख दें, तो वो आपके कमेंट्स में, वो कमेंट्स में बिल्कुल शो नहीं होंगे। तो यहाँ ब्लॉक लिंक्स, अगर कोई आपके चैनल में कमेंट्स करता है और आपने लिंक छोड़ देता है किसी भी लिहाज से, तो ब्लॉक लिंक्स करेंगे तो कोई लिंक्स आपके कमेंट्स में शो नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट में, अलाउ ऑल कमेंट्स, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने अलाउ ऑल कमेंट्स रखना और एग्रीमेंट्स नथिंग इज़। तो यहीं तक हमारी सेटिंग थी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किस तरह करनी है, और उसकी थोड़ी बहुत SEO भी बताऊँगा, क्या याद करोगे आप सब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, और गंदी लगी हो तो फिर भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।